तो कैसे हो आप सब। और आज हम हैं एक क्लास में, और इस क्लास में हम देख रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र असिस्टेंट टीचर के जो सिलेबस है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, उससे लिया गया है। और देखिए जो भी उसमें प्रमुख बातें हैं वो इसमें आ चुकी है मेरे हिसाब से, और लगभग लगभग सब चीज इसमें इंक्लूडेड है। आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना है, बल्कि टू द पॉइंट पढ़ना है, और प्रयास ये कीजिए कि एक नोट्स बना के पढ़िए। तो ऐसा है कि जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है इसमें क्या क्या चीज है, चलिए हम देखते हैं। तो पहला बात आप ये समझिए, हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं अभी, बाल केंद्रित शिक्षा में। हमेशा आंसर देने के समय ये माइंड में आप रखिए कि आप कौन से जमाने में जी रहे हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के। इसका तात्पर्य है जितने भी आपको आंसर देना है वो सभी बालकों को केंद्र में रख के देना है। इसका दूसरा मतलब ये है, जब कभी भी आप आंसर दीजिए तो ये याद रखिए कि बालकों के अपोजिट ना हो। जैसे कि एक बच्चे ने आंसर दे दिया है कि अगर कोई बच्चा सीख नहीं रहा है तो क्या करेंगे हम भाई, हम जबरदस्ती उसको सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा में आप बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे, आप केवल एक मार्गदर्शक हैं, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा के मुताबिक बच्चे स्वयं सीखते हैं, आप उसमें केवल माध्यम बन सकते हैं। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा की बातें हुई। तो जब भी आप आंसर देंगे बच्चों को केंद्र में रख के देंगे और बच्चों के पक्ष में देंगे। अब चलिए देखते हैं इस सिलेबस में मुख्य रूप से क्या क्या बातें हैं। तो देखिए शब्द है बाल विकास, तो बाल विकास से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उसको देखना है। इसमें क्या क्या है, देखिए शारीरिक विकास क्या चीज होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बूढ़ावस्था, जरावस्था, ये सभी अवस्थाएं हैं, उसको आप टॉपिक्स बना के नोट करके रख लीजिए या याद कर लीजिए। वैसे इसके बारे में एक और वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप ये वीडियो देख सकते हैं मेरा, इसमें आपको जो है इससे संबंधित जो है जानकारी मिल जाएगी। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा है संवेगात्मक विकास। अब संवेगात्मक विकास क्या है, बच्चे किस उम्र में गुस्सा करते हैं, प्रेम करते हैं, क्रोध करते हैं, ये सब संवेगात्मक विकास के अंतर्गत है। इसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सभी पुस्तकों में लगभग रहता ही है। मैंने क्या किया है आपके लिए, उन पुस्तकों में से एक पॉइंट निकाल दिया है, इस पॉइंट को आप तैयारी कीजिए। सामाजिक विकास, बच्चे किस उम्र में सामाजिक होते हैं, दोस्तों से कैसे मिलते हैं, ये सभी समझ। नैतिक विकास संबंधित बीएस ब्लूम जो थे उन्होंने बहुत सारे इसके बारे में लिखा है। दूसरा है बाल मनोवैज्ञानिक, याद रखिए ना, आप जब भी आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, अभी जो है आप शिक्षक का परीक्षा दिलाएंगे, CGTET है, PBED है, PDED है, BSc BEd, ये सभी परीक्षाओं में आप जो है बाल मनोवैज्ञानिक जो है दो तीन चार प्रमुख हैं, कौन कौन, जैसे कि पियाजे, स्किनर, कोहलर, फॉर्नडाइक और ब्लूम, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, वैसे चार ही पांच ही याद रहता है। इन्होंने मेन जो है सीखने के जो सिद्धांत दिए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप जब भी क्या पढ़ेंगे तो बाल विकास पढ़ेंगे। अब जैसे कि देखिए इसमें से एक वैज्ञानिक ने क्या दिया था, एक बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया था और एक निश्चित लीवर को दबाने से दरवाजा खुलता और उसको रोटी मिल जाती। बिल्ली पहली बार तो अचानक ही बिना सोचे समझे उस लीवर को दबा डाली तो खुल गया, दूसरी बार में उसने खोजना शुरू कर दिया और अंत में बिल्ली सीख गई कि इस लीवर को दबाने से ये जो है पिंजरा खुलता है। इसको भूल एवं सुधार का सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत किसका है आप नीचे कमेंट में लिखिए, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। इसी तरह से और कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना अपना प्रयोग किया। एक व्यक्ति ने क्या किया, अपने छोटे से बच्चे पर प्रयोग किया था। तो इस तरह से इन वैज्ञानिकों की कहानी आप पता कीजिए, जो वीडियो मैंने अभी बताया था उसमें मैंने कुछ जानकारी आपको दी है, आप जाकर वो देख सकते हैं। अगला है देखिए विकास का सिद्धांत एवं उसे प्रभावित करने वाले कारक, ये आप कोई भी बुक में ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा विकास का सिद्धांत कहां पर होता है, क्या होता है, सब चीजें। अगला है अलग अलग प्रकार के स्कूल, याद रखिए ना बाल विकास शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे तो भाई अलग अलग, जैसे विशेष शिक्षा वाले स्कूल हैं, नवोदय विद्यालय हैं, अभी एकलव्य विद्यालय खुल रहा है, इसके साथ केंद्रीय विद्यालय हैं, ये सभी स्कूल क्या करते हैं एक्चुअल में और किस लिए खोले जाते हैं, ये सभी आपके माइंड में लगभग लगभग होना चाहिए। अगला है बालक के प्रकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
बालक के प्रकार में आप देखिए, कमजोर बालक, समस्या मूलक बालक, सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक, विशेष आवश्यकता वाले बालक, ये सभी बालकों के बारे में आप जो है पता कीजिए, बुक्स में आपको मिलेगा, सब मिलेगा। जैसे कि पिछड़ा बालक, इनका आईक्यू लेवल क्या चीज होता है ये भी आप बिल्कुल याद रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो दो टू जो डॉक्यूमेंट है एनसीएफ और आरटी, एनसीएफ 2005 और आरटी 2009, इन दोनों से अभी हमारा जो पूरा शिक्षा व्यवस्था संचालित हो रहा है, तो इसके बारे में आप अपना जो है जानकारी बिल्कुल रखिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम के चैनल पे, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ये दोनों डॉक्यूमेंट का डिटेल्स मैंने अपने चैनल पे किसी वीडियो पे अपलोड किया है, उसके बारे में आपको समझाया भी है, डॉक्यूमेंट भी मैंने सर डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। तो बच्चों, ये रहा पूरा का पूरा जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मेन टॉपिक, मेन पॉइंट। आप इन पॉइंट को पकड़िए और इसके साथ जो है एक रणनीति बना के आगे बढ़िए, आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में अच्छे अंक ले आएंगे। बाकी अगर आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो रही है, कैसे आंसर देना है, आपके पास कोई क्वेश्चंस हो, तो आप मेरे को बेझिझक भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का।